फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्यों ना आज बारिश का मौसम है तो जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है पकोड़े की रेसिपी। तो चलिए, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और गरम गरम पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बनाए ये हो ही नहीं सकता। तो चलिए पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हरी मिर्ची ली है दो, जिसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे करके कट किया है। हमने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है हसबे ज़रूरत। हमने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, 1 टीस्पून। साबुत धनिया लिया है हमने यहाँ पे, 1 स्पून। हमने यहाँ पे आलू लिया है, जिसको हमने अच्छे से मैश करके रखा था इस तरह। 3 हमने लार्ज साइज के आलू लिए थे। गिलास में हमने भर के वाटर लिया है। 2 लार्ज साइज के प्याज लिया था, जिसको हमने छोटे छोटे करके कट किया है। और साथ ही हमने बेसन लिया है। तो चलिए पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें हम ये जो आलू है इसको डालेंगे। आलू को हमने 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे से धोया था, और इसका जो पानी है वो हमने हाथों की मदद से निचोड़ निचोड़ के इसमें से सारा पानी हमने निकाला है। अब हम इसमें ये मसाले सारे ऐड करेंगे, साथ ही ये प्याज डालेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूले। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। ये पूरा जो बेसन है ये हमने नहीं लेना है, जितना हमें चाहिए हम उतने ही बेसन लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा और बेसन लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है हमने। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून से भी बिल्कुल कम मीठा सोडा मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रखूँगी। हमने यहाँ पे 1 गिलास भर के पानी लिया था, उसमें से भी हाफ से भी कम पानी हमने यूज़ किया है। और देखिए, अब हम इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। ये मत सोचे कि ऑयल इतना काला क्यों है, क्योंकि मैं जब भी पकोड़े वगैरह बनाती हूँ तो ऑयल को मैं वापस छान के उठाती हूँ, तो मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ। तो देखें, हमारा जो पकोड़े का जो आटा है वो भी बहुत अच्छे से तैयार है। अब हम पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। तो हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालते हैं। तो अब हम इसी तरह सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही क्रंची पकोड़ा बनके तैयार है। अब हम इसी तरह सारे पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आलू मैश करते हैं तो वो आलू जो है इसमें कच्चे नहीं रहते हैं, आलू बहुत अच्छे से पक जाते हैं अंदर।
चूल्हा जो है वो हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है। पहले हमने हाई पे रखा था क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो उसको अच्छे से गर्म करने के लिए। अब हमने चूल्हा जो है वो मीडियम पे रखा है। तो हमारा पकोड़ा और चाय बिल्कुल तैयार है। गरम गरम चाय और साथ में पकोड़े, खाने में भी बहुत मज़ा आएगा और बारिश में एंजॉय करने का मज़ा भी आएगा। तो देखें कितने ज़बरदस्त पकोड़ा बनके तैयार है, देखें। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलें। फिर मैं लौट के आऊँगी एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।